तो जैसे कि सोचा कि एक ब्लॉग जो हो जाए मेरे दोस्तों के साथ कम्प्लीट हो जाए, तो आ जाए। तो भाई सीन्स कुछ ये है कि अभी मंडी हम लोग घूम रहे हैं, तो थोड़ी मंडी हाई है, नहीं कि अगर आप थोड़ा अपने सौदा वगैरह करेंगे, अगर आप बनाना चाहेंगे तो बन भी सकता है, लेकिन कुछ आपको अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ताकि आप अच्छा कुछ जानवर खरीदने। बाकी अभी तो हम एंट्रेंस पे हैं, बाकी अंदर चल के हम और देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जानवर देखने आए थे, ये बिल्कुल एंट्रेंस पे काफ़ी सारे जानवर खड़े हैं मंडी के, तो आइए इसका प्राइस लेते हैं। जैसे कि आपको सब देख रहे हैं, हमारे साथ बड़े शौकीन लोग भी आए हुए मंडी के। शाहजब भाई इधर देखिए, ये है शाहजब भाई, और माशाल्लाह से ये बहुत एक्सपर्ट हैं गाय वगैरह में, है ना? सीन ये है कि मैं और भागर भाई अभी घूम रहे हैं मंडी में, ठीक है। अभी यहाँ जानवर के रेट बहुत हाई है, अब लेकिन जानवर बहुत अच्छे हैं, ढूंढने के तो मिल जाएगा, लेकिन काफ़ी रेट्स आई हैं, अब बार्गेनिंग बहुत करनी पड़ेगी। अभी फ़िलहाल हम भागर भाई से पूछते हैं क्या सीन है। हाँ भाई, तो भाई सीन कुछ ये है कि यार मैंने एक बात देख रहा हूँ कि अभी जो जानवर पहले मिलते थे 60-70 हज़ार के, मैं ऐसे बोलूँ तो उस, अब वो जानवर, उन जानवरों के जो प्राइस है वो 1.5 लाख, 1 लाख, 1 लाख 20, 1 लाख 30, तो बहुत मंडी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम थोड़ा ढूंढेंगे, यानी कि ढूंढने पर इधर उधर ढूंढेंगे जानवर वगैरह देखने के लिए, तो हमें मिल भी जाएंगे। काफ़ी जानवर देखे हैं और सबका यही है कि 1 लाख, 1 20, 1 30, यानी कि कोई भी 60-70 हज़ार में राजी ही नहीं आज के दौर में। तो यानी कि सीधी सी बात है, कोई अगर कोई गरीब बंदा है वो तो गाय लेने का सोच नहीं सकता, तो हमें थोड़ी सी अपनी रेंज बढ़ानी पड़ेगी और कम से कम कोई अच्छी गाय खरीदने के लिए जिसमें आपको खुशी हो दिली, कम से कम आपको 90 हज़ार तक की रेंज तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो दौर चलेगा जिसमें आपने 60-70 हज़ार, मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है, मेरे भाई 8 साल पहले 1-25 हज़ार रुपये का बछड़ा लेकर आए थे, और वो बछड़ा ऐसा था कि हमारी पूरी गली में धूम मच गई थी। तो वो सीन तो हम निकाल देना, 25 हज़ार का अगर आप 10 मन का बछड़ा लेकर आएँ, आपको उतना बछड़ा लाने के लिए उतने की उस रेंज के, यानी कि था भी कम से कम 8 मन 10 मन का उसका टाइप का बछड़ा को लाने आज 1-1.5 लाख या 2 लाख रुपये आपको चाहिए, ताकि उस टाइप का बछड़ा आ जाए। तो बाकी ये भी और मंडी की बातें आ जाए, हम आगे भी और देखते हैं, किसी आप दोबारी से पूछते हैं कि उसकी क्या तासुर आते हैं, वो कैसे नहीं कि जानवर कैसे वगैरह लेकर आते हैं। इनको बहुत मजा आ चुका है, अभी तक हम लोग मंडी घूम चुके हैं, बहुत तफरी आई है। जो अभी तक क्या हो रही है यार, ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये काफी मेहनत से वीडियो बन रही है और काफी हंसी मजाक भी चल रहा है। चलिए बोलें आपको, इंसान की शक्ल में हैवान है। वक्त हो चुका है, हम लोग अभी भी घूम रहे हैं, तफरियाँ कर रहे हैं, ये हमारे सारे लड़के बहुत तफरियों में घूम रहे हैं, यार देख सकते हैं हमारे शादीब भाई फुल सब इनका तफरियाँ कर रहे हैं, लेकिन ये बेचारे बर्दाश्त किए जा रहे हैं कब से। ये शाजी जनरल स्टोर और द
ओनर ऑफ द जनरल स्टोर सामने जा रहे आगे जा रहे हैं वो तो देख ही नहीं रहे आप। बकलूर हो गए शायद भाई, मैं देख रहा हूँ भाई ओनर हो गए ना वो आजकल, तो देख रहे हैं मंडी के बैक साइड जो क्या है चौकियो मंडी की तरफ। अभी मंडी आगे जो मंडी थी हमने ये वाली मेन मंडी थी ये तो हमने घूम लिया, अब हम आए हैं बैक साइड, ये थक्का भी कहलाता है और अब वहाँ पे भी चलते हैं जोकी पे भी रेट लेते हैं क्या रेट है। वो क्या कर रहा है बच्चा? साइलेंट भाग गया। तो भाई अभी हम लोग पहुंच गए हैं जोकी मंडी, सही है। अब यहाँ पे भी देखते हैं पीछे मरी मंडी से तो हो क्या आ चुके हैं, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं ये हमारे सारे दोस्त हमारे पार्टनर अभी तक हमारे साथ हैं, अब आगे जाके हम देख लेते हैं क्या चल रहा है। अब फिलहाल आ तो चुके हैं मंडी, ये देख सकते हैं आगे जाके जानवर कैसे हैं। चलो तो भाई फिलहाल तो रेट बहुत हाई मिले, अब आगे जाके और देखते हैं। शादी भाई क्या कहना चाहेंगे? 2 लाख का जानवर ये है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, आम बंदे की पहुंच में नहीं है जानवर। सही कह रहे हैं भाई। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं जोकियो मंडी और यहाँ के सीन आप देख सकते हैं, जानवर यहाँ पे भी काफी हैं। अभी अंदर जाके और रेट वगैरह ले लेते हैं, फिर यहाँ की मंडी के बताएंगे बारे में। फिलहाल तो हम यहाँ पे एंट्रेंस पर ही हैं और अभी अंदर जाके देखते हैं क्या चल रहा है। अभी फिलहाल अंदर चल रहा क्या फुल शादी भाई यार तफरिया चल रही है, ये जो बंदा है ना शादी भाई के साथ बहुत ही तफरिया कर रहा है और शादी भाई भी फुल अच्छे मूड में है। चलना है वो हम चल रहे हैं शुबैर का फेवरेट जानवर देखने, वो बता रहा है कि परसों तरसों कोई जानवर दिख रहा है जिसको बहुत पसंद आया है, लगता है खुले वो जानवर दिख और 2 लाख का ये जानवर है। अभी हम यहाँ पर हैं और यहाँ फिर से तफरिया शुरू हो गई है। अभी हम जोकियो मंडी में हैं, यहाँ भी काफी ज्यादा जानवर है। ये जान भाई है, ये शादी भाई है, ये हमारे साथ चल रहे हैं। ये शादी भाई मतलब हमारे टीचर भी हैं और ये भाग भाग के जा रहे हैं, ये फिलहाल डर रहे हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि शादी भाई हमारे टीचर भी हैं और अभी हमारे साथ चल रहे हैं तो ये हमारे फ्रेंड की तरह हैं बस। बिल्कुल जिस जानवर के लिए हम इतना चलकर आए, सुबैर ने बोला है वो जानवर अब बिक चुका है, वो जानवर बहुत अच्छा था। नोशु भाई आप क्या कहेंगे? अरे भाई आप बताइए क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहते हैं इस मंडी के बारे में? जो ये वाली मंडी पिछली वाली से नस्बतन बेहतर है, लेकिन अभी यहाँ तक रिश्तेदार मंडी के जानवर अच्छे हैं, यहाँ के जानवर अच्छे हैं, लेकिन अभी तक हमारा नुकरा सबसे अच्छा है। ये नुकरा आज बहुत तफरी के मूड में है लेकिन यार ये शादी भाई से बहुत बदतमीजी, नहीं बदतमीजी मजाक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ तफरियाँ हमारे अंदर चलती रहती हैं क्योंकि शादी भाई हमारे टीचर तो हैं पर हमारे बिल्कुल दोस्तों की तरह हैं तो वो हमें ट्रीट भी बिल्कुल वैसे ही करते हैं। तो अभी बस हम सारे दोस्त घूमे जा रहे हैं यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है यार आगे और बस अभी घूम रहे हैं और आपको रेट्स के बारे में आगे और बताते हैं। ये देख सकते हैं लाइन से यहाँ जानवर खड़े हैं बहुत सारे, माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं कितने बड़े बड़े जानवर हैं और बहुत ही यानी देख सकते हैं आप ये बैठे हुए भी हैं, यहाँ कितने बड़े बड़े जानवर हैं और ये इधर जानवर काफ़ी बड़े बड़े हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारे प्यारे हैं और ये काफ़ी बहुत महंगे हैं। ये मतलब इस बार की मंडी बहुत ही ज़्यादा महंगी है। अब और आगे चलते हैं फिर देखते हैं। जी घूम रहे थे जानवर भाई, बकर भाई क्या कहना चाहेंगे आप जानवर के बारे में? भाई देख साइज ये है कि जानवर ऐसा है कि बेचारा अभी सुगल लीजिए लेकिन ये आउट ऑफ द रेंज है, बहुत महंगा है, बहुत बड़ा जानवर है जैसे कि देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम इसके बाद भी और आगे जा रहे हैं तो अभी इसके बाद हमारे आगे मारेगा तो नहीं भाग अल मदीना कहते जैसा कि आप यहाँ फिर से तफरिया शुरू हो गई है यार देख सकते हैं। अभी ये लोग व्लॉगिंग मुश्किल करी है लोगों ने हमारी बहुत ही। अभी जैसा कि मैं आपको बता रहा था हम आगे जा रहे हैं अल मदीना कैटर फार्म, अब यहाँ पे और जाके देख लेते हैं। अभी फिलहाल हमें जोखियो मंडी में और बिल्कुल इसके आगे अल मदीना कैटर फार्म, अब इसके आगे हम देख लेते हैं। बहुत प्यारा निशान में मिल रहा है बहुत वैसे शक्ल दिखाओ निशान वैसे बहुत तफरिया कर रहे हैं लेकिन जैसी वीडियो खुल रही है ना उसमें भाई ये देखो नौशु भाई के पीछे आएंगे हम
लोग अभी रिजवान भाई के पास आए हैं जोकियो मंडी में। तो रिजवान भाई ने कुछ मंडी के हालात बताए, क्या नहीं, क्या रेट चल रहे मंडी के, और बताने कैसे हैं आप? रिजवान भाई क्या चल रहे मंडी के जो रेट आज? कम से कम पिछले साल की बनिस्बत जो पिछले साल मिसाल के तौर पर बछड़ा हम खरीद करके लेके आते थे 1,20,000 1,30,000 का वो बछड़ा इस टाइम 1,60,000 1,70,000 रिजवान सोचा है कोई बंदा 50,000 रुपये लेगा कि अभी 50,000 में कुछ मिले हैं? अच्छा 50,000 में बहुत मुश्किल से मिलेगा, मिल जाएगा, कुर्बानी है भाई अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो। रोजाना आप कितने जानवर लेकर आते हैं? माल हमारा असल में आता रहता है और बिकता रहता है। यानी कि आप परमानेंट यहाँ पर? तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अच्छा मैं पहले बता दूँ कि मैंने काफ़ी लोगों से ट्राई की लेकिन लोग शर्मा बहुत हैं। तो माशा से भी हमें रिजवान भाई मिले हैं, तो रिजवान भाई अपना प्लीज़ कॉन्टैक्ट नंबर बताएं ताकि अगर जो ये वीडियो जो देखें किसी को गाय अगर पसंद आए तो आपसे कॉन्टैक्ट करें। अच्छा आपके लिए सबसे छोटा जानवर कब मेरे पास? सबसे छोटा जानवर 1.5 लाख रुपये का। 1.5 लाख का सबसे छोटा जानवर है? और सबसे नहीं कि आपका सबसे जो हाई रेट का जानवर है? हाई रेट के हैं 2.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख। तो रिजाने मुझे प्लीज अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में बता दें ताकि जिसको भी कोई जानवर खरीदे। 0311-816-2015। चलिए तो ये था रिजवान भाई कॉन्टैक्ट नंबर। तो इसी के साथ साथ अब मैं सबको थैंक यू करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वीडियो मेरी सब लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया मेरा दोस्त जो है अरसल भाई, थैंक यू सो मच, आप वीडियो बना रहे हैं और आप भी ब्लॉग में आए हैं और जितने भी मेरे सारे दोस्त हैं जो मेरे साथ अभी आए हैं। तो इसी के साथ साथ वीडियो को अख्ताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।